हेलो फ्रेंड्स, और दोस्तों सभी को नमस्कार और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। तो दोस्तों हम आज का व्लॉग शुरू करते हैं और हमारा आज जो व्लॉग है दोस्तों वो है भाग दो अमरनाथ यात्रा जो हमारे भाई ने की है दोस्तों। तो उसका आज भाग दो आने वाला है। तो वहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य जी का मंदिर है, थोड़ा सा हम उसे दिखाएंगे आपको, और बाकी डल झील है और उसके जो शेयर कराएंगे आपकी जो भाई हमारे वहाँ दिखा रहे हैं तो वो हम दिखाएंगे दोस्तों आपको। लेकिन फ्रेंड्स जो ये हमारे व्लॉग चल रहे हैं आजकल, तो ये जो भाई ने हैं फ्रंट कैमरे से ही बने हैं क्योंकि अपना वहाँ पर सिग्नल थे नहीं अपने मोबाइलों में, और जो दूसरे का मोबाइल था उसके इसमें बैक कैमरा नहीं चल रहा था, सिर्फ सामने वाला ही कैमरा चल रहा था, इसलिए वो सामने से ब्लॉग बनना है जैसे भी है। तो फ्रेंड्स आप लीजिए नजारे अमरनाथ यात्रा भाग दो के, और अभी बहुत से भाग इसके आने वाले हैं। तो आज जो है शंकराचार्य जी का मंदिर और हमारा डल झील है, तो आप इसके मजे लीजिए और हम मिलते हैं आपको ब्लॉग्स के बाद में। ओके फ्रेंड्स, ओके, राम राम। सब पीछे मेरे पीछे अब आप जो है वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर देख सकते हैं, बहुत सुंदर जगह है यहाँ पे, और यहाँ से पूरा व्यू आप श्रीनगर देख सकते हो, डल लेक भी देख सकते हैं यहाँ से। अब आप मंदिर से नीचे उतर रहे हैं, हल्की सी सीढ़ियाँ हैं और तो कह रहा था मैं वही कि हिंदुस्तान की धरती में कुछ तो बात है, कुछ तो खुशबू है कि यहाँ पे कण कण में भगवान बसे हैं। यूं ही नहीं इतने हाइट पे शिवलिंग की स्थापना हुई होती, इतने बड़े शिवलिंग की कैसे स्थापना हो सकती। हम एक छोटा सा पत्थर नहीं हिला सकते, यहाँ पे एक बहुत विशाल का शिवलिंग जो है स्थापित की गई है। तो हमें गर्व होना चाहिए अपने देश के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर, अपने इस समय मैं और सामने रोहत साहब हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। हम लोग इस समय डल झील कश्मीर में हैं और बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे आप इधर देख सकते हो जो लाइनिंग है वो आर्मी एरिया है सारा, आर्मी पूरी गश्त देती है कि हमारा जो नीचे श्रीनगर है वो सुरक्षित रहे किसी भी आतंकवादी घटना से। रोसा भी ये कौन सा मंदिर था ऊपर? शंकराचार्य। हाँ, ये भाई साहब क्या बना रहे देरो भाई साहब? आप कश्मीरी केसर कावा, ये रोज साहब हैं इस समय जो कश्मीरी केसर कावा खाने की तैयारी कर रहे हैं। ये भाई साहब हैं तो जो बना रहे हैं ये देखिए, बढ़िया बनाना भाई साहब, मतलब ताकि रोज साहब हमारे मजा आए। कश्मीरी केसर कावा भर तो देना था यार भाई, आधा गिलास है। नहीं नहीं नहीं, डालो इसमें यार, कम से कम फुल तो कर दो। कश्मीरी केसर कावा क्या डाला इसमें? केसर शहद के साथ साथ चीनी डाल देते ना भाई, शायद थोड़ी देगा प्योर, वो चीनी डाल के देगा। पानी गर्म पानी नहीं है, ये मसाला होता है केसर में, ये बना के होता है। पानी तो है ही है मेरे भाई, सर को कितना पूरा बना दिया, पूरा बना मेरे को तो ये डालो पानी, पानी नहीं, खाली पानी नहीं। कश्मीरी केसर कावा का मजा ले रहे हैं हम डल लेक में, और यहाँ पे शंकराचार्य जी का भी मंदिर है जो कि बहुत ऊंची पहाड़ी पे है। हम सुबह वहाँ का दौरा करेंगे, आज तो यहाँ पे हम लोग जो है वो
कश्मीर श्रीनगर में जो बैठे हैं राम सिंह, और श्रीनगर में ही रुकेंगे आज सवेरे हम घूमेंगे थोड़ा यहाँ से, और यहाँ से फिर हम जाएंगे बालटाल के लिए कल मॉर्निंग में। बालटाल से फिर महादेव की नगरी कहाँ जाएंगे रोज साहब? बालटाल से हम जाएंगे अमरनाथ श्राइन, पवित्र गुफा, महादेव की धरती जाएंगे। भगवान महाराज भगवान ने आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और उनका आशीर्वाद रहा तो हम गुफा तक भी पहुँचेंगे। देखते हैं, टफ रास्ता है सभी बता रहे हैं, पर जहाँ पे इच्छा शक्ति और महादेव का आशीर्वाद हो वहाँ चढ़ जाएंगे और चढ़ जाएंगे नहीं टेंशन है। बाकी झील में बैठ के अभी आराम से केसर का मजा ले रहे हैं, कहवा का रोज साहब भी है, रोज साहब पूरी मजे ले रहे हैं। ये देखिए कहवा ले रहे हैं हम लोग शिकारे में बैठ के श्रीनगर में, हमारे भैया पीछे शिकारे वाले, क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। बशीर भाई है, बशीर अहमद बहुत शानदार आदमी है, हमको शिकारे में घुमा रहे हैं देखो, और अभी कोने में ले जा रहे हैं वहाँ शिकारा होटल में, हम लोग अंदर ये ले जाएंगे हमें घुमाने। यहाँ पे अलग अलग छोटी छोटी जगहों पे जो है अंदर मार्केट बनी गई है, हाउस बोट बनी हुई है सारे में, तो अभी हम उसके अंदर भी जाएंगे। और हाँ क्या हम लोग हिमाचल प्रदेश शिमला और मजे ले रहे हैं हमें जिंदगी का, हमारे जैसा ही हम लोग की पहाड़ी आती चलते रहना चाहिए जिंदगी, और मजे लेते रहना चाहिए। बाकी इसमें तो माया तो आनी जानी है, महादेव के दर्शन जरूर करेंगे। जय हिंद दोस्तों, खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो वहाँ पे मस्त रहो, अलाउड नहीं है बाकी तो चलता रहेगा दुनियादारी। जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, एक बार फिर भगवान शंकराचार्य जी का मंदिर दिखाई दिया, तो सोचा एक बार और वीडियो बनाई जाए, और इसके साथ ही मेरा केसर जो पी रहा था वो भी खत्म हो गया। अब हो गया तो क्या करें, होने दो, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। कश्मीर के डल लेक में बैठे हैं इस समय, मजे ले रहे हैं जिंदगी का, अपने दोस्त है रोज साहब, हम दोनों बंदे हैं रोज साहब और मैं, दोनों किश्ती में बैठे हैं। और तो यहाँ पे अभी हमने देखा, यहाँ पे मिशन कश्मीर की शूटिंग हुई थी, बुमरो बुमरो गाना यहीं पे फिल्माया गया था, इसी जगह पे जहाँ इस समय मैं हूँ, मिशन कश्मीर की। और कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई थी भाई साहब? कश्मीर की कली, फिर वही दिल आया है, बेमिसाल, बहुत सारी फिल्म की शूटिंग जो है यहाँ पे हुई है। सबसे अच्छी हुई थी उसमें, और आज हमें भी मौका मिला है यहाँ पे आने का, और अपने डल झील में रात को इस समय जो बज रहा है, कितना बज रहा है रोज साहब? आठ बजकर 53 मिनट, यानी कि लगभग रात के 9 बजने वाले हैं। रात को 9 बजे डल झील का हम आनंद ले रहे हैं। कितने बजे तक चलाते हो आप? यहाँ पे अपने दोस्त हैं राजेश जी, उनका हमें ट्रिप लगा दिया, यहाँ पे बढ़िया हमारा इंतजाम किया हुआ है रहने रुने का। सुबह शाम हम इस वीडियो के माध्यम से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं।
कि यहाँ आने पे उनकी हॉस्पिटैलिटी से, जो हमारे दोस्त है राजेश जी, उनके उनकी हॉस्पिटैलिटी से हम बहुत खुश हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी से हमें सारे में घुमा रहे हैं और एक भाई हमारे साथ स्पेशली ड्राइव कर रहा है। तो अभी हम जो है वो उनके साथ ही बेचारे रुके हैं साइड में, और हम लोग जो है इस समय डल झील में मजा ले रहे हैं दोस्तों। तो आपको भी कभी शिकारा बोट नहीं है तुम्हारे पास, मन हो कश्मीर आने का तो जरूर आइएगा। डल झील है जो बहुत फेमस है, बहुत अच्छा सुंदर कश्मीर है, स्वच्छ कश्मीर है, बहुत सुंदरता है यहाँ पे भी, लोग अच्छे हैं यहाँ पे, उन्होंने साफ सुथरा रखा हुआ है सारे। अरे एक बार और काफी एक मुगल गार्डन है यहाँ पे, दो तीन चीजें और भी, परी परी क्या था वो, परी महल, परी महल। और ये है आपका मीना बाजार। हम दोस्तों बोट के अंदर ही, झील के अंदर यहाँ पे बाजार बनाया गया है, उसका नाम रखा गया है मीना बाजार। तो जो बनाया गया है यहाँ पे लेडीज कश्मीरी सूट दिखाई दे रहे हैं हम। अच्छा यहाँ यहाँ पे बहुत रश रहता है, 6-7 बजे यहाँ पे बहुत रश रहता है। तो दोस्तों इस तरह से हैं, बोट में बनाया गया है, ये देख सकते हैं। बोट के अंदर ही यहाँ पे जो है वो बाजार बनाया गया है। भाई बता रहे कि 6 और 7 बजे यहाँ पे बोट खड़े करने की भी जगह नहीं होती है, इतना रश यहाँ पे होता है। हम भी देख रहे हैं आज पूरे दिन में कि यहाँ पे बहुत सारा रश है। हमने काफ़ी VIP एरिया भी देखा, फारूक अब्दुल्ला जी, अमर अब्दुल्ला जी का घर देखा, CM हाउस है, गवर्नर हाउस है, द ललित होटल है, एक पानी का चश्मा जिसके बारे में हमने आपको बताया था, जहाँ से पानी भी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन आज भी इस यहाँ से पानी स्पेशल लिफ्ट करते हैं पीने के लिए। तो वो जगह भी यहाँ पे है जिसमें कि बहुत सारे मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह बताए जाते हैं पानी के अंदर कि यहाँ पे हैं, जो कि शुद्धता की मात्रा भी उसकी बहुत उत्तम है। तो ये चीज़ है दोस्तों, हम आपसे यही कहते हैं कि डल लेक आइए, कश्मीर आइए और ज़रूर आइए, ताकि यहाँ का पर्यटन भी बढ़ता रहे और लोगों को भी आनंदित होता रहे। ये पूरा बाजार यहाँ पे बोट के ऊपर बनाया गया है चारों साइड। चारों साइड बना दिया गया दोस्तों। डल लेक कश्मीर में पहुंचे हैं इस समय हम, और यहाँ पे जो है वो मीना बाजार है। तो आप देख सकते हैं चारों साइड मीना बाजार, लद्दाख हैंडलूम। यहाँ पे जो है वो बनाया गया है, लोगों के द्वारा दुकानें खोली गई हैं, जो लोग यहाँ पे शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, और हमारे जो कश्मीर का कल्चर है, जम्मू कश्मीर का कल्चर है, वो पूरा यहाँ पे देख सकते हैं हम। चाहे वो लद्दाख का हो, चाहे जम्मू का हो, कश्मीर का हो, हर तरह के यहाँ पे जो है वो सूट और डिजाइन हर चीज मिलती है। ये हमारी डल लेक कश्मीर, इस समय हम लोग जो है डल लेक पे चल रहे हैं। डल लेक के साथ साथ चल रहे हैं हम अभी। सीन वादियाँ,
रोज साहब और रोज भाई के साथ। बॉलीवुड वाले मनोज भाई का बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे साथ, इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मनोज भाई और डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार जी का, राजेश कुमार सोलंकी, तो जिन भाइयों ने हमारी यात्रा को बहुत ही सुखमय और मंगलमय बना दिया। आज सोलंकी साहब की गाड़ी हम ले जा रहे हैं साथ में, और राजेश भाई ने, मनोज भाई ने बड़ी शिद्दत के साथ पूरा कश्मीर हमें अपना श्रीनगर घुमाया है, और रात को बोटिंग भी कराई। अब हमें जो है बालटाल महादेव के दर्शन के लिए जो है ले जा रहे हैं। बालटाल ऐसी चढ़ाई है, बालटाल से ऊपर सीधी जैसे पहाड़ चढ़ जाओ, ऐसा है 14 किलोमीटर खड़ी पहाड़ी, मतलब ऐसे थोड़े से करता करता ऐसे जाओगे, जैसे ये समझ लो ये चदरी ऐसे। तीन चार किलोमीटर चढ़ के ठीक हो जाएगा मौसम। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज अपने ब्लॉग्स के मजे लिए होंगे क्योंकि हमारे भाई आज ब्लॉग पे थे और वो शेयर कर रहे हैं डल झील जहाँ भी हैं। तो फ्रेंड्स जो आज का ब्लॉग है, अब मैं इसे यहाँ समाप्त करता हूँ, और अभी अब इसके ब्लॉग्स आने वाले हैं, अब कंटिन्यू देखते रहे ब्लॉग्स, और फिर हम आपसे कल मिलते हैं एक नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते फिर आपसे कल। ओके बाय।